अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गए अभी मैं बैठा हुआ हूँ दुबे, तो टाइम जो हो रहा है अभी बज गए हैं तकरीबन 11:30। तो चूज़ों को ऊपर मैं दाना वगैरह डालने आया था, तो ऊपर आया हूँ तो धूप अच्छी लगी है, तो मैं थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सर्दियों को यही मज़ा आता है धूप वगैरह सेकने का, क्योंकि नीचे जो कमरे वगैरह ठंडे होते हैं ऊपर धूप में। अभी वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ भी नहीं रही, कल कह रहे धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, आज पता नहीं मुझे पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो खैर मेरे चूज़े भी बाहर निकल के घूम रहे, तो इन्हें अंदर करते हैं। चलो भाई अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर 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 अंदर। आज फिर लगता है ये मुझे सताएंगे, तो इनकी खुराक मैंने डाली भी थी लेकिन अब सताएंगे मुझे लग रहा है। चलो भाई अंदर, चलो अंदर अंदर अंदर। शुक्र है चली गई टाइम से, नहीं तो इन्होंने मुझे तंग करना था। कहीं तकरीबन पूरे 5 दिन हो गए मेरे ख्याल से बाइक इसी तरह यहीं पर खड़ी है, तो इसे लेके चलते हैं और मैकेनिक को दिखाते हैं इसकी बैटरी इतनी जल्दी ड्रेन क्यों हो जाती है, और इसे जंग भी लग रहा है, तो इसे आयल वगैरह लगवाते हैं इसकी चेन को। ये देखें यहाँ पे भी जंग लगना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे भी लगना स्टार्ट हो चुका है, और इसकी डिस्क ब्रेक जो है यहाँ पे भी जंग लगना स्टार्ट हो गया। ये तो चले खैर चल के एक मरतबा ठीक हो जाएगी, तो लेकिन उसे जो है आयल देना पड़ेगा। बाइक की सीट भी मैंने फिट नहीं की, तो इसी तरह ही रख दिया है ताकि मकैनिक को दिखाएं तो ज़्यादा उसे खो नहीं ना पड़े। तो इसे उठा के तो देख रहे, यहाँ तो इस तरफ से देखेगा मकैनिक, यहाँ पे वायरिंग वगैरह है, या फिर यहाँ से देखेगा जो भी होगा मकैनिक के ऊपर है वो क्या करता है। एक बात अच्छी हो गई है कि मैंने इसके चार्जर जो है बैटरी का वो ले लिया था, तो अब बैटरी चार्ज ही देना, एक ही सलाह लगाया तो बाइक स्टार्ट हो गई है। अभी फिलहाल मैंने कहा है बाइक वार्म अप हो जाए थोड़ी देर तक, क्योंकि हफ्ता पूरा चली नहीं है भाई, एक मरतबा वार्म अप हो फिर चलाने में भी मज़ा आएगा। अभी मैं जा रहा हूँ मौसम की तरफ, तो मौसम को लेते हैं साथ, तो फिर चलते हैं मकैनिक के पास। मौसम भी थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने कहा यार टाइम निकाल करें, तो अभी फिलहाल धूप भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, तो शाम तक ठंडक सी हो जाती है, तो मैंने कहा अभी से निकलते हैं, तो थोड़ा सा गर्मी गर्मी है, थोड़ा सा बाइक राइड करने में भी मज़ा आएगा, और बाइक ठीक भी करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। फिलहाल तो बाइक ठीक ही है, तो फसल में स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका मसला यही है ना कि बैटरी यार 2-3 दिन बाइक खड़ी रहा तो बैटरी इसकी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वो इशू है, तो वो बस चेक करवाना है मकैनिक को, बस समझ आ जाएगी। और भैया मौसम क्या हाल चाल है? मैंने क्यों पता, मैं आगरा कदी चलाई है अगले दिन नहीं होंगे, और तेरे सामने गरारियां तीन आ, तीन से गेर अगले ते पिछले 7 होंगे। ये लैनी है? नहीं तो फिर देखेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। खड़ी खड़ी दी बैटरी लो जांदी कोई स्पार्किंग आ, किदां लभूगी तार? इलेक्ट्रीशियन केड़ा चंगा, तू आप दस। हाँ यहाँ जे इतों ही आप कोई तार तू उतो नज़र मार लिए, टेप कर दिए। नहीं वो मैं देख मार लिए नज़र। तू मारी नज़र? हाँ वो मैं मार ली। इस वाले मकैनिक को तो नहीं कह रहा मुझे, मैं इधर बोल रहा इधर उन्होंने कैमरा लगे ना, मैं बोलता रहना। इस वाले मकैनिक को दिखा दिया था, तो वो कह रहा कि मेरी समझ से बाहर है, किसी इलेक्ट्रीशियन को दिखाओ, तो इलेक्ट्रीशियन को ही दिखाते हैं फिर जाके चला चलो। ये वो कहने का आगे इसे दिखा लेते हैं, तो ये क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम। एक ना एक दफा जनरेटर जरा वो चेक कर लियो, करंट पूरा दे रहा है, जो स्टार्ट होनी ना ये मीटर की लाइट इधर कर दी, जनरेटर की लाइट बबलिंग कर दी, जनरेटर होता ना जनरेटर का करंट वाइब्रेशन वाला जाना भाई, वो ठोस करंट नहीं। पहले नहीं करते हैं चलाओगे इतनी तो वही गल आ गई, चलांदे हैं मत ना सर यार, चलाओ जितनी वो होनी सही है। आजकल पेट्रोल कार है, मेरे को कार आ गई भाई, वो जे ना मैं चलावा इतनी हां जी, उन्होंने चला के घूमना है बस, वो तो है, वो तो है भी सर्दियां पेट्रोल गड्डी है ना, थोड़ा इशू है करना। चल फिर चलिए फिर, ठीक है साथ में शादी कोई नहीं। हां ओके, बड़ी मेहरबानी सर, बस चला लो ठीक, और इन्होंने जाना स्टार्ट कर लिया करी है, वो भी पता नहीं क्या होगा, 5-7 मिनट है जब वो सही हो।
अभी इस मकान को दिखाया, ये कह रहा टेंशन वाली बात करी, बस बाइक वाला रोजाना जो है स्टार्ट कर लिया कर। तो बैटरी आजकल सड़ती है तो वैसे भी गाड़ी भी होगी तो बैटरी ख़राब हो सकती है। बात तो वैसे उसने ठीक ही है कि बाइक रोजाना स्टार्ट होनी चाहिए, तो इसलिए बैटरी टाइम निकालेगी, वैसे निकालेगी नहीं चलिए देखेंगे, नहीं तो बैटरी उतार के मैं रख दिया करूँगा और चार्जिंग भी लगा दिया करूँगा। अभी हमारा प्रोग्राम भर रहा है मुजम्मल को सरप्राइज करने का, तो अभी एक दो काम है बाजार में वो कर ले, तो फिर चलते हैं मुजम्मल के ऑफिस और उसे जाके करते हैं सरप्राइज। उसे नहीं हमने बताया कि हमने तेरे पास आना है, तो पहले हम बताया करते थे तो वो इंतजार में रहता था, तो हाँ इंशाल्लाह अच्छा मैं क्या उन्होंने दस दिन थे तो असं चाहिए नहीं थी अज दसिया नहीं तो अच्छे जाना इंशाल्लाह तला। बाजार में रश थी इतना ज्यादा आ रहा, आगे रश ज़्यादा था तो इसलिए मैंने अभी यहीं पे बाइक लगा ली है। तो मौसम गया है तो उसने लेना था घर के लिए सब्ज़ी वगैरह, तो वो लेने गया था वो ले जाता है, तो फिर घर देखे तो चलते हैं मुजम्मल के पास ने जो भी गुजरता है उसे देख के गुजरता है। ये बच्चा भी इधर ही खड़ा है और सामने दुकान पर भी एक लड़का खड़ा है, कई तरह की मतलब मौसम भी आ गया है तो निकलता ही गया। क्या हुआ यहाँ पे चेक करे, ओए ओए इसकी साइड से निकालते कि ऊपर ही ना आ जाए हमारे, ओए 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 अल्लाह माफ करे बचत ही हो गई है। तो ये ऊपर से गुजरी है मोटर पे, हाँ इधर किधर लगी होगी मेरे ख्याल, इधर से गुजरी है मोटर पे एम टू, हाँ 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 मज़ा आ गया मज़ा आ गया। अभी चलते हैं तो काफी ज्यादा शुगर लगा लिया हमने मुजम्मल के साथ, तो मुजम्मल को दिया सरप्राइज, बताया नहीं था मुजम्मल को हमने आना है यहाँ पे, तो अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हम चलते हैं वापस। तो उसने भी अपना बैग वगैरह का काम वगैरह करने थे तो मैंने कहा चले ही काम करो हम चलते हैं फिर, तो वैसे भी रॉन्ग राइड का एक बहाना ही था तो वो कर लिए, तो आगे से यू टर्न ले के वहाँ से चले जाते हैं अभी वापस। पहुंच गए घर, इस व्लॉग को गाइस यहीं पे खत्म कर देते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।